धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, आखिर धरती पर सबसे पहले कौन सा जीव उत्पन्न हुआ, और ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आपके मन में जरूर आते होंगे। पिछली वीडियो में हमने धरती के निर्माण की कहानी सुनी थी और इस वीडियो में हम धरती पर जीवन के विकास की कहानी सुनेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब एक विशालकाय धूमकेतु धरती से टकराया था तब चांद का निर्माण हुआ था, और चांद के निर्माण से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई, और वो युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का। चांद धरती को स्थिर रखता है और धरती पर मौसम को बनाए रखता है। चांद की वजह से ही धरती अपनी धुरी पर अच्छे से घूम रही है। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत जरूरी था। चांद के निर्माण से पहले धरती पर एक दिन मात्र 6 घंटे का होता था, और चांद की ग्रेविटी के कारण धरती पर 24 घंटे का एक दिन होने लगा। अब धरती पर जीवन की शुरुआत का सही समय आ गया था। सबसे पहले जीवन की शुरुआत वाली क्रांति समंदर के अंदर होने लगी। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी, और इस प्रकार धरती पर पहला जीव उत्पन्न हुआ। यानी धरती पर सबसे पहला जीव समुद्र के अंदर उत्पन्न हुआ था, और उसका नाम था बैक्टीरिया। दोस्तों, ये वही बैक्टीरिया है जिसका नाम आप बचपन से सुनते आए हैं। आपने बचपन से ही साइंस की किताबों में बैक्टीरिया का नाम जरूर सुना होगा। करीब 550 करोड़ साल पहले, जब धरती की उम्र 400 करोड़ साल थी, तब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13% तक हो गया, और ये सब संभव हो पाया बैक्टीरिया के कारण। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर भी बनने लगी। अब समंदर के नीचे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ रही थी, और वे आपस में मिलकर धीरे धीरे अपना आकार बड़ा कर रहे थे। फिर उन्होंने ऑक्सीजन के सहारे जीना शुरू कर दिया। फिर करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में इन्हीं बैक्टीरिया से पहली कांटे वाली मछली का जन्म हुआ। अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो केवल समंदर के अंदर हो रहा था, यानी जमीन बिल्कुल खाली पड़ी थी। अब ऑक्सीजन के कारण सबसे पहले समुद्री पौधे धीरे धीरे जमीन की ओर आगे बढ़ने लगे। फिर पौधों के बाद जीव भी जमीन पर जाने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले एम्फीबियंस यानी उभयचर महासागरों से बाहर आए। फिर सरीसृपों का जन्म हुआ, और जब सरीसृपों का महासागरों से संपर्क टूट गया तब वे धरती की दूसरी जगहों पर रहने लगे। करीब 30 करोड़ साल पहले धरती पर जीवन विशाल हरे भरे दलदलों में पल रहा था, और जब पौधों की मौत होती थी तो वे उसी दलदल में दफन हो जाते थे। इसी कारण धरती में कोयला बनने लगा। फिर करीब 25 करोड़ साल पहले एक तबाही आई, और वो तबाही थी ज्वालामुखी विस्फोट की। यही वो कारण था जिससे धरती के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने लगी। इससे धरती पर रहने वाली लगभग 70% प्रजातियां खत्म हो गई। इस तबाही से छोटे जीवों की प्रजातियां तो लगभग खत्म हो चुकी थी। अब डायनासोर जैसे जीवों ने धरती पर राज करना शुरू कर दिया था। लेकिन डायनासोर्स का इस तरीके से धरती पर राज करना शायद कुदरत को मंजूर नहीं था। अचानक एक ऐसी घटना हुई जिससे डायनासोर का किस्सा वहीं पर खत्म हो गया। धरती से एक विशालकाय उल्कापिंड टकरा गया था, और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी धरती पर भयंकर तबाही मच गई, और धरती से डायनासोर्स का किस्सा खत्म हो गया। फिर से धरती शांत होने लगी, और एक बार फिर जीवों का विकास होने लगा। दोस्तों, ये कहानी थी धरती पर जीवन के विकास की। अगले पार्ट में हम इंसानों के विकास की बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके।